क्या है प्रशांत का कास्टिंग स्टाइल, प्रशांत को है किसकी तलाश, एडिटर के जैसे ढूंढेंगे एक्टर। किसी भी बड़े और मशहूर एक्टर के साथ काम करना तो हर कोई जानता है, लेकिन अगर आप ऐसे ही किसी एक्टर के साथ काम करें जो कि नया नया है और उसके अंदर के टैलेंट को तलाश के दुनिया के सामने लेकर आए, तो इसे हम कहेंगे एक बेहतरीन डायरेक्टर होने की क्वालिटी। ऐसा बहुत बार हुआ है जब हमें किसी एक फिल्म ने ऐसे एक्टर से मिलवाया है जो कि आगे जाकर अपना नाम बनाते हैं। और ऐसे ही एक्टर थे यश, जिन्होंने रॉकी भाई के किरदार से सबको इम्प्रेस किया। केजीएफ के पहले यश एक ऐसे एक्टर थे जो कि साउथ के टॉप एक्टर्स में नहीं आते थे, लेकिन ये प्रशांत का ही कमाल है जिन्होंने हमें एक ऐसे एक्टर से मिलवाया और एक ऐसी कहानी दी जिसे आज के समय में सबसे हिट फिल्मों में से एक माना जाता है। आपको ये भी पता ही होगा कि जिसने केजीएफ को एडिट किया है वो है 17 साल का लड़का जो कि यूट्यूब पर फैन एडिट्स बनाया करता था। अब जो डायरेक्टर हर जगह से ऐसे टैलेंटेड लोगों को तलाश करके अपनी फिल्मों में कास्ट करता है, उनसे हम कर सकते हैं एक और ऐसे एक्टर की उम्मीद। सुनने में आया है कि केजीएफ चैप्टर 3 में हमें कई नए चेहरे और काफी नए किरदार देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसकी कहानी पहले दो फिल्मों से अलग होगी। पहले की फिल्मों में हमने देखी रॉकी भाई की कहानी की कैसे उन्होंने अपने एम्पायर को खड़ा किया, लेकिन केजीएफ 3 के साथ ही हमने उनको काफी मुसीबतों का सामना करते हुए देखा। और जहां तक हम प्रशांत नील के अभी तक के करियर को देखते आ रहे हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे ही कई तरह से नए टैलेंटेड आर्टिस्ट से मिलवाएंगे केजीएफ चैप्टर 3 में। अब कौन हो सकते हैं ये एक्टर और क्या ये उतना ही कमाल दिखाएंगे जैसे कि यश ने दिखाया था रॉकी भाई के किरदार के साथ? ये सब देखने के लिए हमें करना पड़ेगा केजीएफ चैप्टर 3 का इंतजार। आपको बता दें कि इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा था। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने मन पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।